अरेंजमेंट की है ताकि हमारे बिहार से जो हमारे जो एमएलए जो आए हैं हम उनके लिए जो है आपके बीच में आकर जो है हमने उनके लिए जो है वोट के लिए हमने मांग की थी। आप लोग ने यहाँ पर रहकर अपनी फैमिली को बिहार में कॉल करके उन लोगों को कन्विंस करके जो है हमें जो है बिहार की सरजमीन पे अपनी फैमिली से जो वोट दिलवाया, जहाँ से वो वोट दिलाने की नतीजा हमारा ये है कि आज हमारे 5 बिहार के एमएलए जो है आज अल्लाह के फजल करम से उसके हबीब के सदके तुफैल में जो है एमआईएम पार्टी से जो है आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की दुआओं से जो है हमारे 5 एमएलए जो है बिहार में जीत कर आए हैं। हम उसी का जो है हम शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे बिहार के 5 एमएलए और हमारे बिहार के प्रेसिडेंट जो अख्तरुल इमान साहब और हमारे एमएलए आपके बीच में है ताकि आप लोगों का हम तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा किया जाए। हमारे पास वक्त बहुत कम है, वक्त कम होने की वजह से जो है हम ये कारवा जो है यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं कि इसके बाद बहुत सारे मुकर्रर हैं यहाँ पे बोलने के लिए, तो इंशाल्लाह हम तहे दिल से जो है आपका शुक्रिया अदा करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे जिस तरह बिहार से जो है 5 एमएलए आए हैं इंशाल्लाह हम बंगाल में भी, उत्तर प्रदेश में भी, गुजरात में भी और मुंबई की सरजमीन पर भी जो है इंशाल्लाह हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का परचम जो है लहराएंगे इंशाल्लाह। तो मैं अल्लाह अकबर यहाँ पे दावत का जो है मामला चलने से पहले मैं जोरदार आप लोगों से अपील चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि हमारे बिहार के जो एमएलए जो अब्दुल इमान साहब और जितने भी जो हमारे बिहार के एमएलए आए हैं कि उनके लिए जो है जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तकबीर अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप नारे के साथ में जो है अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए ताकि हमारे जो मेहमान आए उनका जो है हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफिज़।